हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमनदीप आपको पढ़ाने जा रही हूँ राजस्थान का इतिहास। देखिए, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें जो मीज़ोलिथिक एज दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि लेट स्टोन एज। तो मतलब हमें जो स्टोन एज, मतलब यहाँ पे हमें पाषाण काल से ही संबंधित जो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और उसमें भी हमें तीन सभ्यताएँ दे रखी हैं, ठीक है। बागोर है, निम्बाहेड़ा है और एक है मांडिया। मांडिया नहीं है, वो मंडपिया है। वो मंडपिया ही एक स्थल है, ऐसा मांडिया नाम का कोई ऐसा स्थल अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि हमें पाषाण काल क्या है, ये पाषाण काल क्या होता है, स्टोन एज क्या है, पहले हम सीखते हैं। देखिए, पाषाण काल क्या है। पाषाण काल, आपके सिलेबस में क्या है, पाषाण काल मतलब स्टोन एज। तो पहले हमें देखना है कि स्टोन एज क्या होती है, ठीक है। वैसे आपका मीजोलिथिक एज का है। देखो, पाषाण काल को लिथिक एज भी बोला जाता है या स्टोन एज भी बोला जाता है। तो आपका मीजोलिथिक का जो है सिलेबस है, जिसमें बागोर और ये निम्बाहेड़ा और मंडपिया, ये तीन सभ्यताएँ हैं। पहले हम सीखते हैं कि पाषाण काल क्या होता है, ठीक है। पाषाण काल का मतलब है कि यहाँ इस काल से सारी की सारी जो खुदाई से जो वस्तुएं मिली हैं वो सारी किससे निर्मित है, वो पत्थर से निर्मित है। मतलब पत्थर के ही औजार यहाँ पे मिले हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर क्या मिले हैं, पत्थर के ही औजार हमें मिलते हैं। जैसे पाषाण काल को भी फर्दर तीन भागों में बांट दिया गया है। कैसा है, पुरापाषाण काल। क्या बोलते हैं इसको, पुरापाषाण काल। फिर इसको बांटा है मध्य पाषाण काल में। फिर तीसरा जो आता है वो है हमारा नव पाषाण काल। तीसरा क्या है, नव पाषाण काल। तो पहले इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि पाषाण काल को तीन भागों में क्यों विभाजित किया गया है। इसको देखिए, इस पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में फिर से बांट दिया गया है। क्यों बांट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर की जो औजार मिले हैं ना, वो अलग अलग टाइप के हैं। मतलब उनकी बनावट अलग अलग, कुछ छोटे हैं, कुछ ब्लेड टाइप हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें तीन टाइप से इसको बांट दिया गया है। जैसे निम्न पुरापाषाण काल, फिर आता है इसके बाद में मध्य पुरापाषाण काल, फिर इसके बाद में तीसरा आता है उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल है जो वहां से हमें किस प्रकार के जो मतलब पत्थर के औजार मिले हैं, वहां से मिले हैं हस्तकुठार। क्या मिले हैं, हस्तकुठार, जिसको बोलते हैं हैंड एक्स भी बोला जाता है इंग्लिश में, हैंड एक्स मिला है, ठीक है। चापर चोपर मिले हैं। चापर चोपर मतलब खंडक और गंडासा टाइप के, चापर और चोपर टाइप के। ठीक है, तो इस प्रकार के औजार यहाँ पे मिले हैं। अगर हम मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर जो हमें औजार मिले हैं वो किस प्रकार के मिले हैं, नुकीलेदार। देखिए, ये नुकीलेदार नहीं है, सिर्फ मतलब भद्दे हैं, भद्दे टाइप के, और यहाँ पे नुकीलेदार मिले हैं, नुकीलेदार, ठीक है। और यहाँ पर जो मिले हैं हमें वो ब्लेड्स मिले हैं। क्या मिले हैं, ब्लेड्स। कैसे औजार मिले हैं, ब्लेड्स। तो तीनों टाइप के हमें, ये सारे औजार हैं पत्थर के ही, लेकिन यहाँ पे हस्तकुठार मिला है, चापर चौपर मिले हैं, ठीक है, और नुकीलेदार और ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स के रूप में मिले हैं। अगर हम यहाँ की विशेषताएं की बात करें कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, तो ये किस पर आखेट और क्या करते थे, संग्रहण करते थे, भोजन संग्रहण करते थे, ठीक है। ये भी आखेट और संग्रहण पर थे। इनका जीवन भी किस प्रकार का था, आखेट और संग्रहण। ये तीनों जो पुरापाषाण काल के जो ये डिवाइडेशन है, इनमें तीनों में ही हमें आखेट और किसका मिलता है, संग्रहण का, जो ठीक है, इस तरीके से मिलता है। अगर हम मत देखिए, अब ये हमें समझ में आ गया कि स्टोन एज है, तो ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूं कि आपको आगे इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि ये तरह से बेस है।
आप इन चीज़ों को समझ लेंगे कि निम्न पुरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। देखिए जो हस्तकुठार मिला है वो मद्रास से मिला है। कहाँ से मिला है? मद्रास से मिला है। तो यहां से जितने भी औजार मिले उसको मद्रास संस्कृति भी बोला जाता है। जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसको क्या बोला जाता है? मद्रास संस्कृति भी बोला जाता है। और जो चापर चौपर मिले हैं वो है पंजाब में, एक सोहन नदी है उसके किनारे मिला है, तो इसको सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम, अब देखिए यहाँ पर आखेट और भू जो खाने का संग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पशुपालन। जो मध्य पाषाण काल है वहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के, ठीक है। और अगर हम औजारों की बात करें तो यहाँ पर जो औजार हैं वो लघु हो गए हैं, लघु पाषाण, ठीक है, लघु पाषाण, ठीक है। इसको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो मतलब छोटे, लिथ मतलब पत्थर के छोटे औजार। क्या बोला जाता है इसको? माइक्रोलिथ भी बोला जाता है, ठीक है। और नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर कृषि और अग्नि, देखिए यहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हो गया था, अग्नि का आविष्कार हो गया था, चाक का आविष्कार हो गया था इसमें, ठीक है। और कृषि यहाँ पर पाई जाती है, और साथ ही यहाँ पर कैसे औजार मिले हैं? पॉलिश युक्त। यहाँ पर जो भी हमें हथियार मिले हैं, हस्तकुठार वगैरह, जो भी पत्थर के औजार मिले हैं वो कैसे? चिकने हैं, पॉलिश युक्त है, मतलब अच्छे एडवांस्ड हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि पाषाण काल जो है उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मतलब सभ्यताएं पाई गई इसलिए, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को फर्दर तीन भागों में बांट दिया, निम्न पुरा, मध्य पुरा और उच्च पुरा में। तो निम्न पुरा में हमारा क्या मिला है? हस्तकुठार, ठीक है, और चापर चौपर। ये कहाँ से मिले? सोहन नदी के किनारे जो पंजाब में है, और ये मिले हमें मद्रास में मिले हैं, ठीक है। जो मध्यपुरा है उसके कैसे हैं औजार? नुकीलेदार। और उच्चपुरा के कैसे हैं औजार? ब्लेड्स के टाइप में है, ठीक है। और अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, अब मनुष्य ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? पशुपालन, मतलब अब ये आखेट और संग्रहण नहीं करता, अब ये पशुओं को मतलब पालतू पशुओं को भी रखता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे? जैसे भेड़ और बकरी वगैरह है, इन सब पशुओं को पालना भी इसने स्टार्ट कर दिया। मतलब एक तरह से पहले जो घुमंतू प्रवृत्ति का जो इंसान था वो अब थोड़ा सा एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया, और वो अपना अब इसमें इस सभ्यता में तो कभी कभी कृषि के भी मिलते हैं हमें, कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पे कृषि के साक्ष्य भी इस मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, कुछ ऐसी साइट है, ऐसे स्थल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नवपाषाण काल की बात करें तो पूर्णतः यहाँ पर कृषि, अब यहाँ पे कृषि की है तो लोगों का मतलब एक जगह पे रहने लग गया है, मतलब सभ्यता का विकास होने लग गया है। कहाँ पे? नवपाषाण काल है, पूर्णतः सभ्यता का विकास दिखाई देता है। और साथ के साथ हम देखते हैं कि पॉलिश युक्त यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? एडवांस टाइप के क्या मिल रहे हैं? पत्थर के ही क्या मिल रहे हैं हमें? औजार मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। तो आगे हम देख लेते हैं कि हम हमारे जो सिलेबस में है वो है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागोर, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए जो बागोर सभ्यता है, अगर हम मैं आपसे पूछूं कि ये बागोर सभ्यता है, ये है मध्य पाषाण काल का स्थल है। कहाँ? किसका स्थल है? अभी आपको मैंने पढ़ाया किसका स्थल है, ये मध्य पाषाण काल। कौन से काल का है ये? मध्य पाषाण काल, ठीक है, बागोर। आपके सिलेबस में बागोर है, तो बागोर क्या है? इसको मीजोलिथिक भी बोलते हैं, मीजोलिथिक एज भी बोला जाता है इसको। तो ये हो गया मध्य पाषाण काल का, ठीक है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो मध्य पाषाण काल है उसकी क्या विशेषता है? पशुपालन और माइक्रोलिथ, ठीक है। तो ये विशेषता है इसकी, यहाँ पर भी आ जाएगी। तो बागोर कैसा है? मध्य पाषाण कालीन, ठीक है। तो ये मध्य पाषाण काल का है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मध्य पाषाण काल का है तो यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे पशुपालन के, भारत में सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। भारत ना केवल राजस्थान का, पूरे भारत के प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के कहाँ से मिले हैं? बागोर से ही मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब छोटे उपकरण।
अब छोटे उपकरण का मतलब आप समझते हैं कैसे, जैसे चाकू वगैरह होता है ना, छोटा चाकू घर में आजकल सब्जी वगैरह काटते हैं, उस तरह से पत्थर के जो चाकू मिले हैं यहाँ पे, माइक्रोलिथ का मतलब इतने छोटे बनते थे, इससे पहले वाले जो थे वो थोड़े बड़े बड़े औजार मिलते थे। तो ये माइक्रोलिथ है जो मतलब लघु पाषाण उपकरण है, वो मध्य पाषाण काल की विशेषता है। और हमारे जो सिलेबस में है वो बागोर है, ठीक है। बागोर किस सभ्यता का है, मतलब किस टाइम पीरियड का है, ये है मध्य पाषाण काल। जो बागोर सभ्यता है वो है मध्य पाषाण काल की, ठीक है। तो बागोर सभ्यता किस टाइम की है, मध्य पाषाण काल की है, ठीक है। अब देखिए, अब बागोर है कहाँ, इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर है, तो बागोर है भीलवाड़ा, राजस्थान का जो भीलवाड़ा है वहाँ पर है। अब भीलवाड़ा में सब जानते हैं, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी भीलवाड़ा में कौन सी जगह है, तो भीलवाड़ा में मांडल या मांडलगढ़ भी बोला जाता है इसको, मांडल भी आ जाता है मांडलगढ़, तो वहाँ पर ये मांडलगढ़ तहसील है, वहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थिति कहाँ है इसकी, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे हैं, ठीक है। देखिए, जितनी भी सभ्यताएं हैं, जो भी सभ्यता देखो, कालीबंगा सभ्यता देखो, आहट सभ्यता देखो, कोई भी प्रकार की सभ्यता देखो, सिंधु घाटी सभ्यता देखो, अगर भारत की दृष्टि से पढ़े तो सारी सभ्यताएं हैं जो वो नदी किनारे विकसित हुई। नदी किनारे विकसित क्यों हुई, क्योंकि उस समय टंकी वगैरह तो होती नहीं थी कि पानी स्टोर कर लें और टंकी और नल खोलें और पानी आ जाए, तो यहाँ पर इनको पानी के लिए नदियों वगैरह पर निर्भर रहना पड़ता था, पीने के लिए जो भी इनको आवश्यकता थी, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए। तो इसलिए सारी सभ्यताएं किसके मतलब नियर बाय थी, मतलब नदियों के किनारे थी। तो ये कौन सी, ये सभ्यता जो है कोठारी नदी, कौन सी नदी के किनारे मिली है, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ हमें समझ में आ गया, बागोर मध्य पाषाण काल का है, और मध्य पाषाण काल की विशेषता मैंने आपको बता दी कि वहाँ पे पशुपालन और माइक्रोलिथ लघु उपकरण, लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं, ठीक है। तो स्थिति क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक जो बागोर है कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में भी कहाँ पर है, मांडल में है। भीलवाड़ा सभी याद कर लेंगे, लेकिन आगे वाला जो मांडल है वो याद नहीं रखेंगे, तो मांडलगढ़ भी हमें याद रखना है, आगे के पूछा जा सकता है। तो कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है, और कोठारी नदी के पास में एक मतलब ऊपर एक बांध भी बना है, मेजा बांध, अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते तो कोठारी नदी पर मेजा बांध भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आ गया, इसका उत्खनन या खोज किसने की, ठीक है। देखिए, इसकी जो है उत्खनन किसने किया, उत्खनन, ठीक है, इसका जो उत्खनन किया था वो है वी एन मिश्र। किसने किया था इसका उत्खनन, वी एन मिश्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। वी एन मिश्र ने इसका उत्खनन किया था, और ये कब किया था, 1967 से 68 के मध्य किया गया था, 1967 से 68 के मध्य किया गया था। इसके बाद में एक और थे वैज्ञानिक जर्मनी के, एल एस लेशनिक, उन्होंने किया था 68 से 69, ठीक है। तो एल एस लेशनिक, मतलब अगर आपसे पूछे कि इसका उत्खनन कब हुआ, तो 67 से 69 आ जाएगा, इन्होंने किया 67 से 68, और एल एस लेशनिक ने किया 68 से 69। आगे भी इसका उत्खनन किया गया था 1970 में, लेकिन ज्यादातर यही पूछा जाता है, बसंत शिंदे ने किया था, ठीक है, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया, जो बागोर सभ्यता है उसका उत्खनन यही किया, ये पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें आगे, हम इसकी थोड़ा और डिटेल में पढ़े, तो हम देखेंगे आगे कि जो जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, वो जब भी उजड़ती हैं और बिगड़ती हैं, जब भी उजड़ती हैं बिगड़ती हैं, तो क्या होता है, एक टीले के रूप में, कैसा, एक टीले के रूप में होती है, किस रूप में होती है, एक टीले के रूप में बनती है, ठीक है। तो बागोर जो स्थल है, सभ्यता है, ये सभ्यता तीन बार बिगड़ी और तीन बार ही मतलब उजड़ी और तीन बार ही सवरी, मतलब इस तरीके से आता है, ठीक है। मतलब इसके तीन स्तर पाए गए हैं, कितने स्तर पाए गए हैं, पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि बागोर के उत्खनन से कितने प्रकार के स्तर पाए गए हैं, तो कितने स्तर पाए गए हैं, तीन स्तर पाए गए हैं, ठीक है, तीन बार
बार बिगड़ती है और तीन बार ही बनती है। देखिए इस जगह पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया, फिर ये उजड़ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे चले गए, फिर ये भी उजड़ गया, मतलब किसी कारणवश वो आगे रहना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से तीन बार यह ये बस्ती जो है बनती है और उजड़ती है। ऐसा भी पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो तीन बार बनी और तीन बार ही उजड़ी, तो हमारा आंसर आ जाएगा बागोर, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अब आप देख लीजिए कि इस पहले चरण में, इसके तीन चरण हैं, तो पहले चरण की खुदाई से क्या क्या मिला, देखिए पहले चरण की खुदाई से हमें पाषाण औजार मिले, कौन से, पाषाण औजार। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसकी विशेषता, विशेषता बताई थी, कैसे होंगे पाषाण औजार भी, माइक्रोलिथ होंगे, कैसे होंगे, माइक्रोलिथ टाइप के या लघु, लघु पाषाण, ठीक है, इस प्रकार के होंगे, ओके। अब आगे देखिए और दूसरी क्या विशेषता है, इस प्रथम चरण की बात चल रही है, हमारा प्रथम चरण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें देखिए जो एक कब्र ऐसी मिली है जो किस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की दिशा में, उसका पश्चिम में तो उसका सर है और पूर्व की दिशा में उसके पैर हैं, क्या मिली है, कब्र, ठीक है, ये एक कब्र मिली है, ठीक है। और देखिए अब दूसरा चरण जो यहां पर, तो पाषाण के औजार मिले हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है कब्र मिली है। अगर हम सेकंड दूसरे जो चरण की बात करें, सेकंड चरण की बात करें, तो यहां पर किस प्रकार के औजार मिले हैं, यहां पर मिले हैं तांबे के औजार, तांबे के औजार मिले, तांबे के भी यहां पे पूछा, संख्या भी पूछी जाती है एग्जाम में, संख्या भी पूछ लेंगे, कितने औजार मिले हैं तांबे के, पांच औजार मिले हैं, ध्यान रखिएगा कितने औजार मिले हैं तांबे के, पांच औजार मिले हैं, कौन कौन से हैं, देखो तीन तो हैं भाले, तीन भाले, ठीक है, एक सेकेंड, या तीन भाले नहीं, एक भाला मिला है, माफ करिएगा, एक भाला, तीन बाण और एक त्रिशूल की आकृति का एक हथियार मिला है। वैसे आपसे यही पूछा जाएगा कि तांबे के कितने औजार मिले हैं, लेकिन ये भी पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पांच तांबे के औजार मिले हैं, देखो ये त्रिशूल की आकृति का इस प्रकार का होता है, उसके दो छेद होते हैं, मतलब इस तरह का कोई एक औजार मिला है, बीच में छेद है, मतलब कि किसी हत्ता वगैरह होगा इस तरीके की, मतलब माना जाता है कि ये, लेकिन किस प्रकार का था, तांबे का था, ठीक है। तो यहाँ पे तांबे के औजार, अगर कब्र की बात करें, यहाँ पे कब्र कैसी मिली है, तो कब्र मिली है पूर्व से, पूर्व की तरफ तो सर है और पश्चिम की तरफ उसके पैर हैं जो कब्र है, ठीक है, कब्र कैसी है, पूर्व की तरफ तो उसके सर है और पश्चिम की तरफ पैर, देखिए यहाँ उल्टा हो गया एकदम से, है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो कब्र मिली है, देखिए ये जो कब्र मिली है मकान से मिली है, जहाँ पे लोग निवास करते थे, रहते थे, हम मकानों की भी आगे बात करें किस प्रकार के मकान बनाए जाते थे यहाँ पे, तो मकान के अंदर ही मिली है वो कब्र, ठीक है, लेकिन इस चरण में मकान के अंदर नहीं मिली है। जो सेकंड चरण आता है, दूसरा चरण आता है, उसमें हमें जो कब्र है वो मकान के अंदर ही मिली है, तो पूछ सकते हैं कि सेकंड चरण में जो कब्र मिली है वो कहाँ से मिली है, मकान के अंदर मिली है, ठीक है, जहाँ पे लोग निवास करते थे उसी के आसपास जो मिली है, ठीक है। अगर हम अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर महत्वपूर्ण एक और चीज़ है, यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं सेकेंड चरण से, कौन से चरण से, दूसरे चरण से मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से पशु थे, भेड़ बकरी मवेशी, ठीक है, तो इस तरीके के ये पशु मिले हैं यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़िए, तो आगे जो है लोह, तीसरे चरण की बात करें, तो वहां से किस प्रकार के लोहे के उपकरण मिले हैं, तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोहे के, तांबे के और पत्थर के तीनों प्रकार के उपकरण हमें यहाँ मिल रहे हैं, मतलब औजार मिल रहे हैं, ठीक है, तो लोहे के उपकरण भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो लोहे के उपकरण के साथ साथ यहाँ पे पांच मानव कंकाल भी मिले हैं, कैसे कंकाल, मानव कंकाल, ठीक है, पांच मानव कंकाल भी यहाँ से मिले हैं, और एक ऐसा कंकाल मिला है मानव का, एक कंकाल ऐसा है जिसकी जो ग्रीवा है, मतलब जो गर्दन बोलते हैं ग्रीवा,
ग्रीवा पर मुस्लिम काल का एक सिक्का, मतलब सिक्का है, कॉइन है, वो चिपका हुआ है। मुस्लिम काल का क्या है? सिक्का। मुस्लिम काल का सिक्का क्या है? चिपका हुआ है, ऐसा मतलब हमें वो मिला है, मुस्लिम काल का सिक्का चिपका हुआ है। ठीक है, 5 मानव के कंकाल मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से ये भी देखिए, 14 प्रकार की, कितनी? 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य। अब आप बोलेंगे कि हाँ, आपने मैडम बताया था कि नवपाषाण काल में कृषि के, लेकिन मैंने बताया था कि एक ऐसी कोई ऐसा स्थल भी है मध्य पाषाण काल में कि जहाँ पर स्टार्ट हो गया था कृषि करना, लोग मतलब मानव ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तो 14 प्रकार की जो कृषि के साक्ष्य वो कहाँ से मिल रहे हैं? जो तीसरा चरण है, 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य, ठीक है, वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें? ये मिल रहे हैं तीसरे चरण से। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या है इसमें? देखिए, अब पाषाण का भी है इसमें, और तांबे के औजार भी मिल रहे हैं, ठीक है, और लोहे का भी मिल रहा है। अब इसका टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये है 5300 से लेके, पहला चरण है 3800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, लगभग मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और दूसरा चरण जो है वो है 2500 से लेकर ईसा पूर्व है, देखिए ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और तीसरा जो चरण है वो है 1000 से 500 भी हो सकता है, 200 तक भी है, ठीक है। तो अपन 200 लिखते हैं, 200 तक के भी मिले हैं, ठीक है। तो ये एक रफली है, इतना मतलब ये जो स्थल है इस समय के हैं ये स्थल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो भी सभ्यता होती है वो टीले के रूप में मिलती है, खुदाई में हम देखते हैं तो वो टीले के रूप में मिल जाती है। तो ये जो टीला है, जो यहाँ पे बहुत सारे कंकाल भी मिले हैं, यहाँ पर हमें पता क्या चला कि ये पशुपालन के साक्ष्य थे, क्योंकि यहाँ पर पशुओं की क्या मिली है? हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है, घर थे, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको कहा जाता है महासतियों का टीला। इसे क्या कहा जाता था? तो इसको बोला जाता है महासतियों का टीला, ठीक है। तो महासतियों का टीला भी इसे बोला जाता है। पेपर में 3-4 बार आया हुआ है कि महासतियों का टीला किसे कहा जाता है, तो बागोर जो है उसे महासतियों का टीला कहा जाता है, ये बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है। तो ये हमने सारी विशेषताएं पढ़ ली। देखिए, इसे और एक और चीज कहा जाता है, इसे कहा जाता है आदिम, इसे बोला जाता है आदिम। इतने सारे औजार उपकरण लोहे के भी मिले हैं, तांबे के भी मिले हैं, और पत्थर के भी मिले हैं, इसलिए इसी कारण इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी इसे बोला जाता है। तो देखिए, मैंने आपको सारे बता दिए क्वेश्चन कि इससे क्या क्या पूछा जा सकता है ना, कि कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहले तो ये पूछ लेगा कि बागोर जो है वो कौन से, कहाँ पर है अभी बागोर जो वर्तमान में है, तो वो है भीलवाड़ा में, आपको बताया मैंने, ठीक है। और फिर पूछेगा नदी कौन सी है, तो नदी है कोठारी नदी के किनारे है, ठीक है। और अगर हमें पूछे कि इसका उत्खनन किसने किया था, तो V.N. मिश्र ने इसका उत्खनन किया था, ठीक है। पूरा नाम है उनका वीरेंद्र नाथ मिश्र है, और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो है L.S. लेशनिक है, उन्होंने किया था इसका उत्खनन किया था, ठीक है। और अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है, तो ये विशेषताएं सबसे ज्यादा पेपर में आती हैं आपके, ठीक है। तो पहला जो 3 स्तर है इसके, कितने स्तर हैं इसके? 3 स्तर बता दिए मैंने आपको। ये पेपर में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो 3 बार बनती है और 3 बार ही क्या होता है? बिगड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्तर से जो है वहाँ पे क्या मिला है? पाषाण काल, ठीक है, मतलब पाषाण के औजार मिले हैं। किस टाइप के हैं वो? माइक्रोलिथ टाइप के हैं, मतलब छोटे उपकरण है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि बागोर सभ्यता की जो है विशेषता है यहाँ पे माइक्रोलिथ और कैसे माइक्रोलिथ और पशुपालन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो पूछा भी गया है बहुत बार, क्योंकि ये क्या है, भारत का सबसे प्राचीनतम क्या है, प्रमाण मिला है पशुपालन का, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पर लघु जो है छोटे उपकरण मिले हैं, मतलब छोटे
पाषाण के उपकरण मिले हैं, जैसे मैंने आपको बताया चाकू और छुरी वगैरह इस तरह के, ठीक है। और कब्र मैंने आपको बताया पहले चरण में इस प्रकार की कब्र मिली है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मिली है। और देखिए तांबे के औजार मिले हैं दूसरे चरण से, द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कौन से चरण से? द्वितीय चरण से मिले हैं हमें, ठीक है। तो पांच कितने में औजार मिले हैं? पांच औजार मिले हैं, एक भाला मिला है, तीन बाण मिले हैं और एक त्रिशूल की आकृति के जैसा मिला है, ठीक है। और कब्र कहाँ से मिली है सेकंड चरण में? मकान से मिली है, और किस दिशा में? पूरब से पश्चिम की तरफ है, ठीक है। और देखिए तीसरे चरण में लोहे के उपकरण मिले हैं, लोहे के उपकरण, लोहे के औजार भी मिले हैं, ठीक है। तो और पांच मानव कंकाल भी मिले हैं, ये संख्या भी पूछी जाती है कि कितने मिले हैं, ठीक है। तो पांच ही मानव के कंकाल है, तो आप पांच ही और औजार हैं तांबे के, तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, और इसमें 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। और एक ऐसा कंकाल मिला है मानव का जिसकी ग्रीवा है ना, उस पर क्या है, मुस्लिम काल का एक सिक्का चिपका हुआ है, ठीक है, ऐसा हमें मिला है। और इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कंकाल और क्या बोलते हैं, पाषाण औजार और कंकाल दोनों मिले हैं, इसीलिए इसको महासतियों का टीला भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महासतियों का टीला क्या है। तो महासतियों का जो टीला है वो किसको कहा गया है? बागोर को कहा गया, बागोर सभ्यता को कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा तो ये सब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं, कि इसके अलावा तो जितनी भी विशेषताएं हैं यही विशेषताएं हैं बागोर सभ्यता में, और आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके अलावा। और यही पूरा इम्पॉर्टेंट इसका मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोटेशन में भी पूछ सकते हैं वो, कि बागोर जो स्थल है वहाँ से तांबे लोहे और पत्थर तीनों के औजार क्या मिले हैं, इस तरह से एक आपको कथन और उसमें पूछ सकते हैं ना कि असत्य बताइए कौन सा है कि नहीं। अगर आपने पूरी तरीके से बागोर को अच्छे से पढ़ा है, उसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, तब तो आप ऐसा जो क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना ही पढ़ लिया कि बागोर यहाँ पर है, इस नदी के किनारे है, इसने इसके उत्खनन किया था, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। और ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड जो चरण है वहां से कैसा मिला है? मकान से मिला है, पूरब से पश्चिम की ओर मिला है। वैसे शायद ऐसे क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन हमें तो पूरा तरीके से देखना है, क्योंकि ये तीनों ही सभ्यताएं जो है आपसे पूछी गई हैं एग्जाम में, और बहुत ज्यादा मतलब इनका जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने आपको बता दी है। महासतियों का जो टीला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोलिथिक इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें तो आपको याद रखनी ही है। पांच तांबे के उपकरण है और पांच ही मानव कंकाल है, 14 प्रकार की कृषि है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। और किसने इसकी खोज की थी और कहाँ पर है ये, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बागोर। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सभ्यता है आपका जो सेकंड है उसको पढ़ लेते हैं, वो है मंडपिया। कौन सी है? मंडपिया, या आपके सिलेबस में तो दे रखा है उन्होंने क्या दे रखा है, मांडिया दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये मांडिया तो है नहीं, मांडिया नाम से तो कुछ मैंने ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, तो शायद ऐसा नहीं है। तो ये है नेक्स्ट जो है हमारी जो सभ्यता है वो है मंडपिया, ठीक है। जो मंडपिया सभ्यता है, ठीक है, देखिए इसके बारे में भी ज़्यादा तो अभी इतना पता, मतलब ये अभी इसकी खुदाई हुई हो तो ज़्यादा इसके बारे में मैटर है नहीं, लेकिन देखिए ये जो सभ्यता है ये भी हमें कहाँ से मिली है? भीलवाड़ा से। कहाँ से मिली है? भीलवाड़ा से। देखिए बागोर और मंडपिया दोनों का आप याद रखिएगा, दोनों कहाँ से हैं? भीलवाड़ा से ही हैं, इसीलिए आपको साथ साथ पढ़ा रही हूँ दोनों को, ठीक है। तो भीलवाड़ा से मिली है, और कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे है। देखिए नदी का डिफरेंस है, वहां पे कौन सी नदी थी? वहां पे थी कोठारी नदी, और जो मंडपिया है यहां पर है बनास नदी, और स्थल एकदम सेम है, ठीक है, ओके। तो भीलवाड़ा में ये मिली है, ठीक है। और इसका जो उत्खनन भी किया था वो वी एन मिश्र ने किया था। इसका उत्खनन भी किसने किया था? वी एन मिश्र ने किया था। इनका पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र है, ठीक है। अब यहाँ से किस प्रकार की मतलब
कौन से काल के मिले हैं? मैंने आपको पहले पहले पढ़ाया था कि यहाँ से जो मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष, निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष मिले। मैंने आपको पहले पहले बताया था कि निम्न पुरापाषाण काल के जो अवशेष हैं उसमें हैंडक्स है और चापर और चौपर, इसीलिए मैंने आपको पूरा बेस बताया था कि आपको सारी सभ्यता उस बेस से पता चल जाएगी कि पाषाण काल की विशेषता क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो निम्न पुरापाषाण काल की क्या विशेषताएं थी, मैंने आपको बताया था हैंडक्स। तो यहाँ से मिला है, तो यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है हैंडक्स, ठीक है, और चापर चौपर, हैंडक्स चापर चौपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सभ्यता मिली है वहां पे किस प्रकार के उपकरण मिले हैं, ये भी पाषाण काल की ही सभ्यता है और निम्न पुरा पाषाण काल के भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल के मिले हैं यहाँ से और यहाँ पर जो एक हाँ उत्तर पाषाण काल के भी, उच्च पुरा पाषाण काल के, उच्च पुरा पाषाण काल के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं, जैसे ब्लेड्स। मैंने आपको बताया था उच्च पुरा पाषाण काल के जो हैं वो क्या है, वो ब्लेड्स भी यहाँ से मिले हैं। इसके सभ्यता के बारे में अभी तक इतना ही है और ज़्यादातर मतलब ब्लेड्स आएंगी तो ब्लेड्स का जो है उच्च पुरा पाषाण काल का है, निम्न पुरा पाषाण काल के भी यहाँ पे मिले हैं, तो इतना ज़्यादा इसके बारे में है नहीं अभी मैटर, तो हम आपको मटीरियल देख लेंगे और आगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। मैं तो भूल गई, वो बागौर वाला ही कर लेना।